राग हैं उनके इमोशंस अलग है, भाव अलग है, उसका मूड अलग है। जो रात के राग हैं उसके भाव अलग हैं, उसके मूड अलग हैं। तो ये एक खास ऐसी बात है जो दुनिया में केवल हमारे संगीत में ही पाई जाती है। ध्रुपद के साथ शुरू से ही वखावज की संगति होती रही है, क्योंकि जिस समय में ध्रुपद गाया जाता था उस समय तबले आदि का निर्माण नहीं हुआ था, उसका विकास नहीं हुआ था, और ध्रुपद की जो धीर गंभीरता है गायकी में, उस गायकी की धीर गंभीरता को पखावज का जो साउंड है वही उसको मैच करता है। इसलिए भी शुरू से ही ध्रुपद के साथ पखावज की संगति का प्रचलन है। जिस तरह अलग अलग राग होते हैं उसी तरह पखावज पर अलग अलग तालें होती है। ताल जो है वो एक निश्चित मात्राओं का टाइम साइकिल है, आवर्तन है। मान लीजिए उसे हम 10 मात्रा कह सकते हैं, 12 मात्रा कह सकते हैं, 14 मात्रा कह सकते हैं, 8 मात्रा कह सकते हैं। तो उस 8 मात्रा को रिपीटेटिवली बजाने से ही ताल का जन्म होता है। जब हम किसी राग को गाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि राग एक फ्रेम है जिसमें उस फ्रेम के अंदर हम राग के निश्चित स्वरों को लेकर के हम राग का विस्तार करते हैं। आलाप के माध्यम से इसी राग की खोज को किया जाता है। हम एक किसी एक राग को लेकर के उसके स्वरों को निश्चित नियमों के तहत उसका अनंत विस्तार करते हैं। रागालाप में हम जो शब्द यूज करते हैं वो है आ र न न ते त र न री रे र न र न न त न तुम न इत्यादि। ये वर्ण जो है, ये जो मंत्र है हरिओम अनंत नारायण तू ही तरण तारण त्वम, इस मंत्र के ये जो सिलेबल्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट के रूप में ये सिलेबल्स हम लोग इस मंत्र से यूज करते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे हमने री लगाया तो वो हरि की प्रतिध्वनि है, री वैसे ही नूम में ओम की प्रतिध्वनि है, री रे रे नूम, इस नूम में ओम की प्रतिध्वनि है। और जब हम र न न कहते हैं नूम र न न, ये जो र न न लिया गया है ये नारायण से लिया गया है। तो इस तरह से जो है हम इस मंत्र से ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज करते हैं। अब हम आपको राग का जो आलाप होता है उसका छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। ये है राग यमन। Oh.
ये जो अभी आपने आलाप सुना, इसमें जो हम अलग अलग जो तकनीक उपयोग करते हैं एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने के लिए, तो इसमें जो खास एक तकनीक है वो है मीठ की, यानी एक सुर से दूसरे सुर पर जाने के लिए उसको धीमी गति से मीठ के जरिए जाया जाता है। किस तरह? राग का एक अपना स्वभाव होता है, उसके जो स्वर स्थान होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उन स्वर स्थानों को दर्शाने के लिए मीठ एक महत्वपूर्ण जरिया है। और आप देखेंगे कि इसमें एक स्वर से दूसरे सुर पर जाने के लिए बीच में श्रुतियों का उपयोग होता है, जो कि ध्रुपद गायन की एक खास विशेषता है। रे इस गायकी में आवाज को लगाने का भी एक खास तरीका होता है। ये तरीका हमें योग विद्याओं से प्राप्त होता है। आवाज को नाभि, हृदय, कंठ, मस्तक आदि स्थानों से उच्चारित किया जाता है। आलाप में जैसा कि आपको भी बताया कि राग का विस्तार अलग अलग क्रियाओं से करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उसमें मीठ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राग के एक स्वर स्थान की हम इम्प्रोवाइजेशन कर चुके होते हैं, तो उसके बाद आप सुनते हैं कि तना तुम न, ऐसा बोलते हैं र न न त न तुम, इसे मोहरा कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी राग में जब हम किसी एक स्वर का विन्यास कर चुके होते हैं तो ये मोहरा लगा करके फिर हम उसके आगे के स्वर पर विस्तार करते हैं। आपने देखा कि आलाप में कोई एक लय नहीं होती, लय होती है लेकिन छुपी होती है, स्पष्ट रूप से दर्शनीय नहीं है लय इसमें। क्योंकि ध्रुपद और वीणा का बहुत गहरा संबंध रहा है शुरू से ही, तो आलाप के बाद इसकी गति बढ़ा करके फिर हम मध्य लय के आलाप पर आते हैं, जिसमें एक पल्स का सहारा लेते हुए इन्हीं स्वरों के माध्यम से राग का विस्तार करते हैं। इसके बाद फिर द्रुत गति का आलाप होता है।
उन्हीं शब्दों को आरा नाना राना नाना तेता राना रीरा राना को द्रुत गति से बोला जाता है। द्रुत आलाप में गमक का उपयोग ज्यादा होता है। गमक के अंतर्गत हम हृदय स्थान और नाभि स्थान से ध्वनि को उच्चारित करते हैं। गमक के अंतर्गत कंठ गमक, हृदय गमक और नाभि की गमक अलग अलग होती है। देखिए कंठ गमक re na da na 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 विस्तार होता है आलाप का। अब हम आपको ताल के बारे में और पद के बारे में बताएंगे। ध्रुव पद गायन में संगति के लिए पखावज वाद्य का उपयोग होता है। यह एक ताल वाद्य है, तो इस ताल वाद्य पर जो ध्रुव पद गायन के साथ प्रमुख रूप से ताले बजाई जाती हैं, उसमें चौताल, सूलताल, सादरा, धमार, आदिताल, ये सभी तालें इसमें बजाई जाती है। अब आपको पखावज पर चौताल बजाकर सुनाया जाएगा। इसके बोल हैं धा धा दिन ता के ट धा दिन ता ते ट क त ग दे ग न धा। यह 12 मात्रा का ताल है। इसमें 6 खंड होते हैं, 4 खंड ताली के होते हैं और 2 खंड खाली के होते हैं। धा धा दिन ता के ट धा दिन ता ते ट क त ग दी ग न धा। तो जब हम पद गाते हैं तब यही ताल लगातार साथ में बजता रहता है, और जब उपज करते हैं, जब इम्प्रोवाइज करते हैं, तब भी हम इसकी ताल के आवर्तन के दौरान उपज करते हैं और फिर पहली मात्रा पर आकर
पखावज वादक और गायक दोनों मिलते हैं, जिसे हम सम कहते हैं। ध्रुव पद के पद को चार भागों में गाया जाता है, स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। कई पदों में सिर्फ स्थाई और अंतरा ही मिलते हैं, तो कभी कभी संचारी और आभोग मिले हुए होते हैं। अब आप भैरव में एक ध्रुव पद सुनेंगे, चौताल में निबद्ध इस रचना के बोल। सघन बन छायो द्रुम बैली माधो भुवन, अत प्रकाश बरन बरन पुष्प रंग लायो। सघन बन छायो, यह पद तानसेन जी का पद है। सघन बन छायो, सघन बन छायो,
अच्छा।